तो यार क्या हाल चाल आप सभी के मेरे मित्रों, हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखो यार, आजकल बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ बिगड़ चुकी हैं। देखो यार, अंकल जी का इंतजार चल रहा था। मित्रों आपको भी लग रहा होगा कि ये इसका टीचर होगा, बाप होगा, पड़ोसी होगा, मतलब कि यार चचा तया होगा, लेकिन नहीं यार, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। बदल रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ही सालों बाद मिले हैं मित्रों, यानी कि ये जुदा नहीं होना चाहते। देखो यार, अबे अबे भाग क्यों रहे हो? मित्रों पहले तो मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन जब लोगों को देखकर ये भागे, तब तो यार मेरा मन किया कि मैं गुड़ खाकर टपक जाऊं, कोई फायदा नहीं यार जीने का। अबे शर्म करो, ऊपर वाले से डरो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मुझे पानी में नहीं, तेरे प्यार में डूबना है। अबे बाथरूम के बाथ टब में डूबने की उम्र में ये प्यार में डूबने की बातें कर रहा है? मित्रों ये बच्चे बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और यार कुछ बच्चियां तो बूढ़ों के साथ भाग रही हैं। ध्यान से बच्चे के मासूम चेहरे की तरफ देखो। इसकी माताजी बोलती होगी कि मेरा मुन्ना पढ़ाई में डूबेगा, पिताजी बोलते होंगे मेरा मुन्ना देशभक्ति में डूबेगा, लेकिन यार उनका बच्चा तो प्यार में डूब रहा है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और यहाँ पर देखो यार, ये बच्चा होमवर्क से परेशान हो चुका है और अपनी माताजी से भी परेशान हो चुका है, जो कि रोज होमवर्क करवाती है। देखो यार क्या बोल रहा है अपनी माताजी को। निकल जाओगे? मुझे दुनिया में मन नहीं लगता अपना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम गंदी हो। यार बच्चे का दुनिया में मन नहीं लगता क्योंकि इसकी माताजी गंदी है। लगता है कि इसके बगल में पिंकी नहीं रहती। अगर बगल में पिंकी रहती होती तब यार इसका इस दुनिया में मन लग जाता और बच्चा खुशी से जीता और होमवर्क भी करता। दोस्तों आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और यहाँ पर देखो यार, इस बच्चे ने कोई महान कारनामा किया है जिसके कारण इसको इनाम दिया जा रहा है, लेकिन यार स्टेज के ऊपर बच्चे का एटीट्यूड देखो यार, जेब में हाथ डालकर कैसे खड़ा हो चुका है। जलवा है हमारा, यानी कि सर्टिफिकेट गया तेल लेने, हमें तो जेब में हाथ डालने हैं। ये बच्चा मन में यही बोल रहा होगा। कभी कभी तो लगता है कि अपन ही भगवान है। घर वाले कहते हैं कॉलेज जा रही हो, अपने बारात में नहीं, जो इतना सज धज के जाना जरूरी है, पर अब उन्हें कौन समझाए कि घर तक बारात लाने वाला को पटाना भी तो जरूरी है। हाय हाय यार हो गया। आजकल के बच्चों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, बस यही तो कारनामे करने हैं उनको। घर वालों ने भेजा है कि डिग्री लेके आ, लेकिन नहीं यार, वो तो पतिदेव लाने की स्कीमें लगा रही है। तुम्हें शर्म है कुछ? कभी कभी मेरी खामोशी का मतलब बाहर में जा होता है। अरे दीदी क्यों डराने पर तुली हुई हो? वीडियो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, वो तो देखकर डर जाते होंगे। अबे मुन्ना छोड़ो, फिल्टर हटाओ और जाकर पढ़ाई लिखाई कर लो। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, यही कारनामे करने हैं, तो एक खड्डा खोदो और उसमें कूद जाओ, कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीने का। अब यहाँ पर देखो यार, शायद ये बच्ची चाइना की है, मतलब कि डुप्लीकेट नहीं यार, बिल्कुल ओरिजिनल है। देखो यार शीशे की तरफ देखकर कैसी कैसी हरकतें कर रही है। खैर यार, अगर बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो और क्या बूढ़े करेंगे? अरे अरे यार, मैंने तो सिर्फ बोला था, ये अंकल तो सच में लग पड़ा। अबे अंकल कम दारू पी लिया करो, नहीं तो एक दिन बीवी से बहुत लफेड़े खाओगे। तो चलो यार मित्रों, आप हंसते रहा करो, सब्सक्राइब बटन का उखाड़ फेंको यार, काला कर दो।